हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे एचटीएमएल के माध्यम से, और हम यूज़ करेंगे सीएसएस। और ये सीएसएस तीन टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल जो हम हेड सेक्शन के पास लिखते हैं, एक होता है एक्सटर्नल जो अलग से सीट हम इस्तेमाल करेंगे, और एक होता है इनलाइन सीएसएस, जैसे हम आना जहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल लेकर के कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीका होगा, कोड को ज़्यादा बल्क नहीं किया जाएगा, हम सी एस एस का इस्तेमाल एक्सटर्नल करेंगे, यानी एक एच टी एम एल का पेज होगा और एक होगा स्टाइल सी एस एस का। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट वेबसाइट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं, और सेशन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एच टी एम एल, क्योंकि हम एच टी एम एल का प्रोग्राम बना रहे हैं। एच टी एम एल से हम स्टैटिक पेज बनाते हैं। ओके, इसको हम जब आप काम करिएगा तो नोट पैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया है फैशन शो के नाम से, हम इसका नाम देंगे। पहला पेज को हम बोलते हैं होम पेज या इंडेक्स पेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स लिख करके यहाँ पे लिखेंगे एच टी एम एल। इसको हमें सेव करना है। सेव करेंगे तो क्या होगा, हम जब कुछ टाइप करेंगे ना तो हमें ये सजेस्ट करेगा वर्ड, ठीक है, हमारे काम को ये और भी आसान कर देगा। तो हमने टाइप किया हेड, क्योंकि हेड को क्लोज करना होगा हमें, हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद हेडर के अंतर्गत ही हम यूज़ करते हैं टाइटल का। टाइटल कहाँ पे शो करेगा ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हमने टाइटल इस्तेमाल कर लिया। कभी भी जब आप वर्ड लिखो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड आता है ना, तो आप टैब इस्तेमाल कर लो तो ऑटोमेटिक आपको वो वर्ड मिल जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम हेड के बाहर लिखेंगे क्या, बॉडी। बॉडी के अंतर्गत ही हम पूरा पूरा कोडिंग लिखते हैं, कोई भी मैटर काम कराना होता है, ठीक है। तो हमने बॉडी का इस्तेमाल किया, बॉडी को क्लोज करेंगे। जब आप प्रोग्राम लिखिए तो एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि जब ओपनिंग को ओपनिंग टैग लगा रहे हो तो क्लोजिंग टैग भी लगा दिया करो तुरंत, ठीक है। तो इससे आपके कोड मिसमैच नहीं होंगे, क्योंकि आप कोड लिखते रहोगे भूल जाओगे। ओके, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना। हमने तो ये सेक्शन बना लिया, अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी के अंतर्गत एक इस्तेमाल करते हैं रैपर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिवीज़न का टैग लेंगे, इसको ड्यू टैग भी बोलते हैं और डिवीज़न टैग भी कहते हैं। यहाँ यूज़ करेंगे आईडी इज इक्वल टू, हम यूज़ करेंगे रैपर। ओके, रैपर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखा होगा कोई बिस्किट का पैकेट, ठीक है, उसमें बहुत सा सामान होता है, या कार्टून है तो कार्टून के अंदर बहुत सारा सामान होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्टून के अंदर अगर कोई पैकेट है बिस्किट का, ठीक है, तो एक रैपर होता है ना, पूरा पूरा होल पार्ट्स, ओके, उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वैसे ही हम कुछ करने वाले हैं। इसके बाद रैपर तो ले लिया हमने, हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और एक पेज बनाएंगे हम, किस नाम से, स्टाइल सी एस एस के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया जो हमने अभी रैपर लिया है, तो रैपर को जोड़ने के लिए हम हैश का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे रैपर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिडिल ब्रेसेस ले लोगे यहाँ पे, यहाँ पे यूज़ कर लो हाइट। देखो हाइट के लिए क्या यूज़ करोगे, सॉरी, पहले आप इसको सेव कर लो, ये बेटर बेस्ट रहेगा, क्योंकि सजेस्ट करेगा वर्ड। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर एक फोल्डर ले लो सी एस एस के नाम से। ओके, यहाँ पर जो आप फाइल लिखोगे, लिख दिया अपना स्टाइल शीट डॉट सी एस एस। ओके, इसको आपने सेव किया, सेव करने के बाद ये आपको सजेस्ट करेगा, यहाँ पर ध्यान देना, लिखो हाइट। हाइट हमें यूज़ करना है ऑटो, यानी इसके अंदर जो भी हम मैटर रखेंगे वो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट करता रहेगा। ऑटो लेने के बाद यहाँ लिख दो विड, यानी इसकी चौड़ाई। ओके, विड करने के बाद यहाँ पे प्रेस करो 100% चाहिए हमें। बॉर्डर कैसा चाहिए, बॉर्डर यूज़ करना है हमें सॉलिड, तो हमने लिखा है सॉलिड। ओके, देखो यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेशन होता है, सेपरेशन अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, लेकिन एक बात क्या लगना, इन दोनों पेज को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हेडिंग के अंतर्गत। हम यहाँ लिखेंगे लिंक, ओके, एल आई एन के, सॉरी, यहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक और हॉरिजेंटल रेफरेंसेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या देंगे उसका लोकेशन, जो ये फोल्डर का लोकेशन हो जाएगा, और फोल्डर के लोकेशन के बाद हमने जिस नाम से सेव कर दिया किया था, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस, स्पेस किया हमने। स्पेस करने के बाद यहाँ पे आर ई एल लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोटेड, यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, स्टाइल शीट, स्पेस किया। स्पेस करने के बाद यहाँ पे बताएंगे हम टाइप इसका, हमने इज इक्वल टू किया, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट,
CSS, ओके। अब ये क्या हुआ, ये दोनों पेज जो ऑटोमेटिक जुड़ गई, ठीक है, और ये पेज जुड़ जाएंगी, आपको क्या करना होगा, पेज को रन करा के देखते रहो और काम करते रहो, ठीक है। तो ओके, हम इसको देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हम अपने लोकेशन पे गए, इस पेज को हमने रन करा लिया। अभी आपको दिख रहा है केवल एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जैसे मैटर फिल करेंगे ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्लोट, फ्लोट में हम रखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर सॉरी मार्जिन लेफ्ट वाला चाहिए, लेफ्ट यूज़ किया और -8 पिक्सल रख लिया। इसके साथ ही हम लिखेंगे मार्जिन टॉप, यहाँ हम यूज़ करेंगे -8 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ओके। ये पेज एग्जैक्ट सेट हो चुका, सेट होने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया ड्यू। एक बात ख्याल रखिएगा हमेशा, जब भी ड्यू का इस्तेमाल करिए, किसी के अंदर काम कर रहे हो ना तो एक टैब का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में और समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ यूज़ किया आईडी, हम इसके अंतर्गत क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने लिया क्लास और इज इक्वल टू यूज़ कर लेंगे। इसके साथ हम यूज़ करेंगे क्या, हमने यूज़ किया हीडर, ओके। हीडर लेने के बाद इस चीज़ को हमें जोड़ना है, यहाँ पर हम वापस जाएंगे, क्लास को जोड़ने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, हीडर हीडर हमने यूज़ किया मिडल बेसिस। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमने यूज़ किया वीड, इसकी छोटाई की बात हो रही है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अब क्या चाहिए, आपने वीड दे दिया 100%, सेपरेशन करो और यहाँ लिखो हाइट। हाइट में क्या करना है, आपने हाइट दे दिया, आपको एक डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए, 110 पिक्सल चाहिए तो 110 पिक्सल ले लो, आपको ये पता होना चाहिए। बॉर्डर में रख दो सॉलिड, टैप का इस्तेमाल करके आप ले सकते हो इस चीज़ को, कंट्रोल एस किया। अब आपको ये प्रोग्राम देखना होगा रन करा करके क्या हो रहा है, कंट्रोल आर करो, देखो क्योंकि हमने दो पेज पे लिखा है तो इसको भी हमें क्या करना होगा, कंट्रोल एस करना होगा, क्लियर। जब आप सेव कर लोगे फिर आप रिफ्रेश करो पेज को तो आपको समझ में आएगा कुछ, ठीक है। अब क्या करना, इसका भी थोड़ा सा सेपरेशन सही कर लो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लोट लेफ्ट, हमने फ्लोट लेफ्ट लिया, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद हम इसको सेट करेंगे, इसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप, इसको हमने सेव कर लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने हेडर फाइल बना लिया, हेडर में कौन कौन सा सेक्शन होगा वो हम समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और बनाना चाहते हैं, हमने यूज़ किया ड्यू लिया, ड्यू के अंतर्गत हमने इसको भी क्लोज किया। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लास एक इज इक्वल टू, देखो यूज़ करने के लिए हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टैटिक पेज बना रहे हैं तो हम बहुत आसानी से अपने खुद के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, क्लास में दे दो इज इक्वल टू मीनू, आप मीनू के लिए एक बना रहे हो क्लास, सेव किया। अब यहाँ पे जा कर के उस चीज़ को सेट कर लो, डॉट लगाया, लिखा मीनू, एंटर करो, यहाँ पे टाइप कर लो हाइट वीट वगैरह, ठीक है, और जो जो इसमें चाहिए रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम मीनू में जाएंगे, यहाँ पे हम जो मीनू बनाना चाहते हैं उनको हम टाइप करेंगे, तो हमने यहाँ पर टाइप क्या करना होगा, हमें यूज़ करना होगा UL और LI, ठीक है, अनदर लिस्ट, और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे UL को और इसमें हम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हमने लिया LI,
एल आई लेने के बाद इसको क्लोज भी हमें करना पड़ेगा। हमने इसको क्लोज कर लिया। हमें एक बार टाइप करना होगा क्या जो हम मेनू बनाना चाह रहे हैं। हम दिया होम। ओके, होम देने के बाद क्या करना, यहाँ पे जो आप देना चाहते हो जैसे एंकर टैग वगैरह लगाना चाहते हो, एक पेज में दूसरे पेज का जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। हमें यूज़ करना होगा एच आर ई एफ इज इक्वल टू। जब तक आपके पास पेज नहीं है आप वहाँ पे हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसको क्लोज़ करना होगा एंकर टैग। क्लियर, इसको क्या करो, सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो, पेस्ट कर लिया आपको जितना चाहिए। ओके, पेस्ट किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। एक और हमें चाहिए, एक हमें होम मेनू चाहिए, दूसरा हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। रजिस्ट्रेशन, अगर कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पे हम अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गैलरी भी बनाएंगे, कोई कंपटीशन वगैरह हुआ तो उसको भी दिखाना हमें। इसके साथ ही यहाँ पर हम देंगे नेचुरल, कोई भी इमेज वगैरह क्लिप किया गया हो तो यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अबाउट। अबाउट में हम अपना कॉन्टेक्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने अबाउट दे दिया। इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर लो और पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लो क्या हो रहा है। कंट्रोल आर किया तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सब मेनू। ओके, अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ अलग तरीका का ये दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, हम वापस जाना होगा। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा मेनू तो हो गया, और मेनू में यहाँ पे हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज़ क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है, वो हम यहाँ पूरा डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको सेट किया कि हमें राइट साइड में चाहिए। हम लिखा फ्लोट, ठीक है, हमने टाइप किया राइट, टैब का इस्तेमाल कर लो। इसके साथ ही और भी कुछ दे सकते हो, जैसे मार्जिन चाहिए, मार्जिन कितना गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन हमने क्या दे दिया, देखो पहले इसको रन करा के देख लो कि क्या हो रहा है। कंट्रोल एस किया और आपने क्या किया, कंट्रोल आर किया, तो ये मैटर कहाँ पे आ गया, इस साइड आ गया। क्लियर, इसके बाद यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा, पैडिंग वगैरह चाहते हो तो पैडिंग ले लिया, और पैडिंग कितना हॉरिजेंटल वगैरह के लिए। ओके, कितना गैपिंग करके आए, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए दे सकते हो। सेव किया और कंट्रोल आर करो। अभी आपको दिख रहा है ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये यानी ये बुलेट नंबर में शो कर रहा है, हम इन सबको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, तो रिमूव करने का क्या तरीका होगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके बाद अगर हम इसके अंतर्गत जाना चाहते हैं, मेनूज के अंदर, इन मेनू के अंदर, यू एल के अंदर जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे डॉट मेनू। ओके, यू एल लिखेंगे, यू लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंतर्गत हमें टाइप करना पड़ेगा मार्जिन कितना, 0 पिक्सल। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे पैडिंग कितना चाहिए, ये हमें 0 पिक्सल चाहिए। सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। ओके, ये थोड़ा सा सेट हुआ लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कुछ और इस्तेमाल करना होगा। अब हम इसके भी अंतर्गत जाएंगे, किसके अंतर्गत, यू एल एल आई के अंदर जाएंगे, लिस्ट वाले के अंतर्गत जाना हमें। तो हम लिखेंगे मेनू यू एल एल आई, ठीक है, इसमें जहाँ भी आपको जाना है आप प्रेस करके अंदर जा सकते हो। अब यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा मार्जिन, हमें मार्जिन टाइप किया -6 पिक्सल। इसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे पैडिंग, पैडिंग टाइप किया और पैडिंग कितना चाहिए वो हम डिसाइड कर लेते हैं, 0 पिक्सल। इसके बाद हमने टाइप कर लिया 35 पिक्सल। सेव किया, इसके साथ ही अब यहाँ देंगे क्या, फॉर यहाँ पे डिस्प्ले दिखाना चाहते हो, ये जो आपको दिख रहा है डिस्प्ले से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डिस्प्ले प्रेस किया, हम लिखेंगे इन लाइन। ओके, तो ये इन लाइन में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर सेमी कॉलन हो गया। ओके, डिस्प्ले करने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉन्ट साइज। अगर आप फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, और यहाँ डिसाइड आपने किया कि कम से कम ये 45 हो, पिक्सल हो। आपने इसको सेव किया, अब ध्यान देना इन लाइन हमने किया तो इससे क्या होगा, ये जो मैटर दिख रहा है, कंट्रोल आर करिए, आपको इस टाइप में दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप से दिख रहा है। अब इसमें हमें गैपिंग वगैरह देना है, ये एक साथ दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पे मैं टाइप करना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप से क्या होगा, जो बीच इसके बीच नीचे का जो लाइनिंग है अंडरलाइन, ये रिमूव होगा और हम बाकी और भी काम करेंगे। हमें यहाँ टाइप करना है लिस्ट स्टाइल, और इसके साथ क्या यूज़ करना है, हमें टाइप का इस्तेमाल करना है। तो हमने यूज़ किया टाइप, इसमें क्या करना है हमें लिखना है नन। ठीक है, जैसे इस पे सेव करेंगे, अब देखो इसको रिफ्रेश करो, सॉरी यहाँ पे हमें जो टाइप किया है इसको इस तरीके से टाइप करो लिस्ट स्टाइल। आप हाँ इसका इस्तेमाल कर लो, नीचे आप ड्रॉप डाउन करोगे ना तो आपको वो पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यूज़ कर लो नन, कंट्रोल आर एस किया, इसको रिफ्रेश कर लो। ओके, हम यहाँ यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो बॉर्डर रेडियस, वरना इसको छोड़ दो। इसके साथ ही हमें क्या करना होगा, हमें इंटरफेस करके एल आई के अंतर्गत जाना है, यानी क्या ए के अंतर्गत जाना है, उसमें हमें कलर वगैरह देना है। तो हम दे सकते हैं, हमने दिया मेनू यू एल एल आई ए के अंतर्गत हमें जाना है, हमने इंटर किया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे जिसे हमें कलर देना है, तो हमने दे दिया क्या कलर, एक कलर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और वो कलर कैसा होगा, हमने फिलहाल देना है रेड, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है क्या हो रहा है वहाँ पर। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन की जगह हम लिखेंगे जो यहाँ हम टाइप करेंगे नन, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये जो लाइनिंग था सॉरी वहाँ से वो रिमूव हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन से। अब यहाँ पे मैं टाइप करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने सेट कर लिया, इसके बाद अगर बॉर्डर वगैरह देना चाहते हो ठीक है तो आपने दे दिया बॉर्डर, लाइनिंग वगैरह के लिए देना दे सकते हो, मैंने इसको हटा दो फिलहाल के लिए। ओके, ये तो हो चुका, इसके बाद क्या करना, इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं। जो पैडिंग हमने दिया है यहाँ पर, इसको स्पेस देंगे ठीक है ना, कंट्रोल एस करेंगे, फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम था देखो यहाँ पे ऐसा कैसा था, ये इस टाइप से था ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे कोड को क्या करेंगे स्पेस दे देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंट्रोल आर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस टाइप से दिखेगा, होम रजिस्ट्रेशन गैलरी नेचुरल इमेज ठीक है, और अबाउट में दिख जाएगा। तो ये मेनू इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद क्या करना, इसमें एक्टिव दिखाना चाहते हो, हावर दिखाना चाहते हो, कलर वगैरह दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो मेनू यू एल एल आई ए, और ए के साथ क्या जोड़ना चाहते हो, हमने यूज़ करना है हावर, तो हमने यूज़ किया हावर, ब्रशेस ले लो। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हावर के अंतर्गत हम दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस, जब इसको हम क्लिक करें ठीक है बॉर्डर रेडियस, कितना चाहिए आपको बॉर्डर रेडियस वो आप सेट कर सकते हो। हमने जैसे ले लिया 5 पिक्सल, सेव करिएगा, सेव करने के बाद कंट्रोल आर करिए, क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा उसको देखते हैं। हावर सेट करने के बाद एक काम करिए, एंटर किया मीनू यू एल एल आई, और एल आई के अंतर्गत हम ए यूज़ करेंगे, और हमने यूज़ किया यहाँ पे एक्टिव, एंटर किया, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एक्टिव के अंतर्गत कलर, कलर होगा तो हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। रेड यूज़ किया, सेव करिएगा, कंट्रोल आर करिए, क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं कुछ दिख रहा है। ओके, वापस जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कोड टाइप करेंगे मीनू यू एल एल आई, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे एक साथ। जोड़ने का क्या तरीका होगा, हम यूज़ करेंगे हावर,
जो हम दिखाना चाहते हैं वो वहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे मीनू यू एल एल आई हावर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे बॉर्डर, देंगे हम बॉर्डर किस टाइप का, रेडियस चाहिए हमें। ओके रेडियस में कैसा, रेडियस टाइप कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कितना उसका मोमेंट हो। आपने 35 पिक्सल दे दिया, इसके बाद लिखोगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश करो, यहाँ पे डैश करने के बाद यहाँ पे टाइप करो कलर। यहाँ पे आप टाइप कर दो येलो, इसके बाद यहाँ पे टाइप करो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंट्रोल एस किया हमने, और इसको हमने क्या किया रिफ्रेश किया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो येलो कलर आ रहा है हम कर्सर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रेडियस होके रेडियस बन के आ रहा है, और पॉइंट्स कौन सा आ रहा है येलो, ये रेड दिख रहा है आपको ना। यहाँ से अगर चाहते हो कि क्लिक करें तो वहाँ पर कलर कौन सा वाइट दिखे, तो यहाँ पे कलर लगा सकते हो, जो भी कलर लगाना चाहो लगा सकते हो, हमें यूज़ करना है वाइट। ठीक है कंट्रोल एस करिएगा और इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से दिख रहा आपको। ओके इसके बाद क्या करना हमें, हम ये कलर यूज़ कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या करना हमें कि अब कुछ और काम करते हैं हम, जैसे ये तो रेडी हो गया। अब देखो ये जो मीनू दिख रहा है कुछ थोड़ा अजीब टाइप दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर डालने के लिए हम क्या करेंगे, मीनू के अंतर्गत जाएंगे, जो हमने मीनू लिया था क्लास, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे क्या विड और हाइट बॉर्डर सेट कर लेंगे। कंट्रोल एस किया हमने सेव करने के बाद, और एक और काम कर लो यहाँ पे, जो इसका हमने साइज़ दिया था ना, पैडिंग दिया था, साइज़ दिया था, तो इसको आप बढ़ा दो। ठीक है हमें यहाँ पे करना क्या, हमने क्या 40 कर लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हमें सेव करना है। सेव करने के बाद कंट्रोल आर करो। ओके तो ये आपको दिख जाएगा इस तरीके से। ये जो ऊपर का सेक्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम कुछ नोटिफिकेशन वगैरह यानी कुछ सिंबल वगैरह लगा सकते हैं, सोशल मीडिया का या ब्लॉग वगैरह का आइकन लगा सकते हैं। ठीक है उसको हम वहाँ पर इसको लीव कर देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा इस हिस्से में, इस हिस्से में बनाएंगे स्लाइड, और सॉरी इस हिस्से बनाएंगे हम न्यूज़ वगैरह के लिए, कुछ जो कॉन्टेस्ट वगैरह होगा लेटेस्ट में उनको हम दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम दिखाएंगे स्लाइड पिक्चर, और नीचे बनेगा हमारा हेडर। ठीक है इसके बाद हम बनाने वाले हैं न्यूज़ वाला एरिया, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए भी हमें ड्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमने यूज़ किया ड्यू। ओके हम यूज़ करेंगे ड्यू, इसको भी हमें क्लोज करना होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्लास इज इक्वल टू न्यूज़, सेव किया, और इसमें जाकर के इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। आपको पता ही है क्लास को जोड़ने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे न्यूज़, और इसको हम ओपन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यूज़ किया विद 100% चाहिए। देखो ख्याल रखना 100% नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए एरिया के अकॉर्डिंग हम इसको बांट लेंगे, जैसे हमने यूज़ कर लिया 25 पिक्सल, सॉरी या परसेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने यूज़ किया हाइट, तो हाइट भी कैसा होना चाहिए आपके पास, ये पूरा डायमेंशन होना चाहिए आपके कॉपी पे, या आप बना के पहले यानी पेपर पे ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे। ठीक है तो फिलहाल हम क्या करते हैं 500 पिक्सल हमने दे दिया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर कौन सा सॉलिड चाहिए हमें, और इसे उसको हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे इसको रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल आर किया, ये देखो बॉक्स आ गया। ओके ये देखो आपको ये इस टाइप से दिख रहा है ये, ठीक है हमें क्या करना होगा इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा। नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका होगा। ओके हमें करना होगा यहाँ लिखना होगा मार्जिन, मार्जिन कौन सा हमें चाहिए, हमें टॉप से चाहिए। ठीक है तो हमने टॉप इस्तेमाल किया, और इसका जो एरिया क्या था मेनू का हम चेक कर लेते हैं। जो हमने मेनू लिया था मेनू में हमने दिया था उसका हाइट, तो हमने इसका हाइट कितना दिया था 50 पिक्सल, तो यहाँ पे सीधा सीधा कर लो क्या मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। जब आप 50 पिक्सल दोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा उतना इसको स्पेस दे देगा। ठीक
ठीक है, ये देखो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से मूव कर गया। ओके, इसको थोड़ा सा और सेट करना चाहते हो तो आप और सेट कर लो, 52 कर लो, और इसको अपने सेव किया वो उसके अकॉर्डिंग सेव हो जाता है। ठीक है, 53 करके देख लो, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। ये जो बाद बाद पिक्सल यूज़ किया जा रहा है तो इसका आपको आइडिया मिलना चाहिए, जब आइडिया मिल जाएगा तब कर पाओगे। ओके, अब यहाँ देखो ये चीज़ आपके पास, ये पेज बन चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो इस सेशन में हम इतना ही, हम नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट सेशन में ये कवर करेंगे कि हम कैसे आगे का प्रोसेस करेंगे, न्यूज़ बनाएंगे और इमेज स्लाइड बनाएंगे, और इन मेनू को भी हम अलग अलग पेज बनाएंगे, पेज को कनेक्ट करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो का सेशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।